प्रिय दर्शकों, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें। कल की वीडियो में हमने बताया था आप लोगों के लिए कि शनि विशेष कृपा मेहरबान किसके ऊपर हो रहे हैं, उन राशियों के नाम बताए गए। अब आज जो सात राशियां बची हैं उनके बारे बताते हैं। शनि के चक्र में जो यह राशियां रखी उनके बारे में बताते हैं। देखो, हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है बल्कि आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी ही इस चैनल का उद्देश्य है। तो प्रारंभ करते हैं इस कार्य को। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव अपनी मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान में मकर, कुंभ और धनु राशि को साढ़े साथी चल रही है। यह राशियां शनि के चक्र के अंदर चल रही है, साढ़े साथी चल रही है इनको। अब इनमें 17 जनवरी 2023 को धनु राशि इस चक्र से मुक्त हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो इनकी साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। मकर राशि, आपने 5 वर्ष पूर्ण कर लिए, अब 2.5 साल और बचे हैं, तो आपकी उतरती हुई ढैया है जो कि क्या होगा, वर्तमान में आपकी व्यय में वृद्धि होगी, आपका खर्च बढ़ जाएगा और वाणी के चलते आपके शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। इसीलिए वाणी में संयम रखें और बड़े धैर्य से काम लें, उपाय भी बताऊंगा लास्ट में। अब कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि की मध्यम ढैया चल रही, आपके ही राशि पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शश नामक महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं जिसे राजयोग कहते हैं और साढ़े साथी भी। अब क्या फल कहा जाए, क्या शश नामक योग का फल नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, लेकिन साढ़े साथी का भी प्रभाव होगा। इससे प्रभाव में क्या होगा कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, कलह होगा, गृह कलह होगा, कार्यों में परेशानी आएगी, कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी, लेकिन शश नामक राजयोग होने से लाभ तो होगा लेकिन विलंब से ही, हर कार्य में विलंब से ही आपको लाभ होगा। अब मीन राशि की साढ़े साथी 17 जनवरी से प्रारंभ होगी। अब आपको 7.5 वर्ष तक शनि के ही प्रभाव में रहना पड़ेगा। इसके चलते क्या होगा, मन आपका अशांत होगा, व्यर्थ का खर्च बढ़ेगा, कुटुंब में कलह होगा और पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें क्योंकि परेशानी हो सकती है, कुल मिलाकर मानसिक अशांति हो सकती है आप लोगों को। अब यह तो साढ़े साथी की बात कही। अब ढैया वर्तमान में मिथुन और तुला राशि की चल रही थी जिससे मिथुन राशि 17 जनवरी को मुक्त हो जाएगी, इस ढैया के चक्र से बाहर निकल जाएगी, लेकिन तुला राशि अभी भी शनि के चक्र में है। कैसे कि आपके राशि से पंचमस्त है शनि जो कि प्रत्येक कार्य में बाधा कारक होते हैं और शनि जब पंचमस्त है तो शनि की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है, सप्तम दृष्टि आय स्थान पर जा रही है और दशम दृष्टि कुटुंब स्थान पर जा रही है। मुख्य यही होते जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कलह होगा और जो आय है, आय की जगह आपका व्यय ज्यादा हो जाएगा और कुटुंब परिवार में भी आपको सहयोग नहीं मिलेगा, कुटुंब परिवार में भी मतभेद होगा, परेशानियां उत्पन्न होगी। तो इसीलिए आपको तो विशेष प्रत्येक कार्य में बाधा आ सकती है, इसीलिए आपको हनुमान जी की उपासना, जो भी मैं उपाय लास्ट में बताता हूँ, उन उपायों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अब 17 जनवरी 2023 को किन राशियों की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी।
इसे कंटक शनि भी कहते हैं। इस ढैया के चलते आपके भी व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, कार्यों में अड़चने आती रहेगी, मन अशांत रहेगा, प्रत्येक कार्य में बाधा आएगी, तो आपको भी उपाय अवश्य करना चाहिए। अब वृषभ राशि की बात करें तो आपके राशि से दशमस्त है शनि, जो कि आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको अन्य चीजों में परेशान नहीं होगी, सिर्फ कार्य क्षेत्र में ही परेशानी होगी। तो देखा जाए तो शनि के चक्र में सारी राशियां आ रही है। आप सबको शनि की उपासना, शनि से संबंधित दान, जप, हवन, यज्ञ अवश्य करना चाहिए और हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। सारी बाधाएं, सारे कष्ट दूर होंगे, कमी आ जाएगी, जो भी कष्ट है वह हल्के हो जाएंगे। इसीलिए आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी मंदिर में जाकर वहां गुड़ को वितरित कराएं और हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर दूर से लेपन लगाएं हनुमान जी को, और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का भी पाठ करें और शनि से संबंधित दान अवश्य दें। जो शनि के दान है उनको शनिवार के दिन शनि के होरा में सूर्योदय से लेकर एक घंटे तक के अंदर दान करें, या सायंकाल को सूर्य अस्त के बाद भी दान कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार के दिन किसी भी पीपल वृक्ष में प्रातः काल जल डालें और रात्रि के समय दीपक प्रज्वलित कराने से भी शनि से संबंधित जो कष्ट है वह दूर हो जाएंगे। अमावस्या के दिन शनि से संबंधित दान कराएं तो परेशानियां कम हो सकती, और शिव भगवान की आराधना, यदि शिव भगवान पर आप शमी पत्र चढ़ा सकते हैं तो काफी परेशानियां दूर हो सकती। इसीलिए घबराना नहीं है, बल्कि उपाय करते रहें और जरूरतमंदों की सेवा करते रहें तो आपको काफी फायदा मिलेगा। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप सुरक्षित रहें और आपके प्रत्येक कार्य होते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें, औरों तक भी इस जानकारी को पहुंचाएं। जब तक दूसरी वीडियो आती है तब तक के लिए हर हर महादेव।